हाय गाइस, माय नेम इज रोशनी शुक्ला, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सरोजनी नगर हॉल। आपको पता ही है अब दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लग गई है, क्रिसमस के बाद से ही काफी ज्यादा ठंडी पड़ने लग गई है। तो ऐसे में आपको विंटर्स के कपड़े रीजनेबल प्राइस में सिर्फ कहाँ मिल सकते हैं आप सभी को पता है, वो है सरोजनी नगर। सीरियस, वहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत सारी वेराइटीज में आपको कपड़े मिल सकते हैं बहुत ही इजीली। यहाँ से मैंने दो लॉन्ग कोट परचेज करे हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। सीरियसली आपको वो वहाँ पे कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप कुछ ऐसे विंटर्स के लिए लॉन्ग कोट या वेकेशन पे जाने के लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कपड़े ढूंढ रहे हैं तो सरोजनी नगर से बेस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके लिए। वहां पे विंटर्स की आपको काफी सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। तो जो मैंने दो लॉन्ग कोट परचेज करे हैं सिर्फ मैंने 200 रुपीज में परचेज करे। तो मैंने फर्स्ट कोट ये वाला परचेज किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ज्यादा मतलब कोरियन वाइब दे रहा है और बहुत ही ज्यादा एलिगेंट और मतलब क्लासी सा लगा। तो मैंने ये वाला कोट परचेज किया। इसमें बटन्स भी सारी सरस अच्छे से लगी हुई है और ये कोट का स्टाइल बहुत अच्छा है। इसका कॉलर कुछ इस तरह का दिया गया जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। इसको आप ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। इस तरह के कोट जो होते हैं वो ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं, और विंटर्स में तो पता ही है क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, हर जगह के लिए इस तरह का कोट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है। सिर्फ आप ऊपर से एक कोट डालें आपका ओवरऑल लुक कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट कोट ये सिर्फ मैंने 250 समथिंग में परचेज किया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला था। आप एक बार कोट परचेज करने से पहले अच्छे से चेक कर लें कोट एकदम क्वालिटी में अच्छा है या नहीं अच्छा है। कहता है कोट की बटने टूटी हुई होती है, बट आप उन्हें 5-10 रुपीज में बटन वापस लगा सकते हैं, बट इतनी अच्छी क्वालिटी का कोट आपको मिलना मुश्किल है। देन सेकेंड मैंने ये ब्लैक कलर का कोट परचेज किया था जो कि मुझे बहुत ज्यादा कोरियन वाइब दे रहा था। कोरियन लोग बहुत अच्छे से इस तरह के लॉन्ग कोट को कैरी करते हैं, उनका ये स्टाइल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। कोरियन लोग काफी अच्छे से लॉन्ग कोट को स्टाइल करते हैं, तो आप उनसे स्टाइलिंग आइडिया ले सकते हैं कि आप कोट को कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। कोट मैंने ये वाला परचेज किया था, ये भी आई थिंक 200 का था और ये मुझे बहुत ज्यादा कोरियन वाइब दे रहा था, तो मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से आगे डिजाइन बनता है जो कि बहुत ही प्यारा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें लिखा भी हुआ है मेड इन कोरिया। मैं आपको बोल रही थी काफी ज्यादा कोरियन वाइब दे रहा है, उसमें लिखा भी हुआ है मेड इन कोरिया। तो कोरियन स्टाइल में बहुत अच्छे से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, फुल ब्लैक आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं न्यू ईयर के लिए। और आप इस तरह के रीजनेबल प्राइस के कोट ढूंढ रहे हैं तो आप सरोजनी नगर तुरंत विजिट करें, वहां पे आपको काफी अच्छे लॉन्ग कोट्स मिल जाएंगे, ओवरसाइज स्वेटर्स मिल जाएंगे, स्कर्ट्स मिल जाएंगी, इस तरह के लेदर कोट्स भी आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सारी स्कर्ट मैंने सिर्फ 50 रुपीज में परचेज करी है सरोजनी नगर से। सरोजनी नगर में मेट्रो गेट नंबर 2 से एंटर करेंगे तो आपको काफी सारी इस तरह की स्कर्ट्स दिख जाएंगी जो सिर्फ 50 रुपीज में मिलेंगी। काफी प्यारी स्कर्ट है, काफी अलग अलग स्टाइल में है। मैंने 2-3 स्कर्ट परचेज करी थी वहां पे और काफी रीजनेबल प्राइस में, ये मैंने 50 रुपीज ईच में परचेज किया है। मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसमें ये वाला जो इस तरह का दिया गया है डिजाइन बहुत ही प्यारा है। इसका बंद करने का भी स्टाइल अलग है, यहाँ पे 3 बटन्स दी गई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग साइज एडजस्ट करके बंद कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैंने 50 रुपीज में परचेज करी है। अगर आप अच्छे से सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे, इस तरह की स्कर्ट्स काफी स्टाइलिश मिल जाएंगी कोरियन में, और लॉन्ग स्कर्ट और पेंसिल स्कर्ट और काफी सारी लेदर स्कर्ट्स भी मिल जाएंगी। तो ये वाला मैंने सिर्फ 50 रुपीज में परचेज किया था। देन एक मैंने डेनिम की इस तरह की पर्पल कलर की स्कर्ट परचेज करी थी, ये भी मैंने सिर्फ 50 रुपीज में परचेज किया था। विंटर्स में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है शॉर्ट ड्रेसेस पहनने में तो विंटर्स में ये फायदा होता है कि आप इन स्कर्ट्स के नीचे लेगिंग्स डाल सकते हैं या फिर वार्मर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। तो ये डेनिम स्कर्ट पर्पल कलर की, ये भी मैंने 50 रुपीज में परचेज किया था। देन मैंने एक लेदर स्कर्ट और लेदर पैंट साथ में परचेज करी थी 150 ईच में। तो ये फर्स्ट मैंने लेदर स्कर्ट परचेज करी थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल लेदर में है आगे पीछे, और इसका लेदर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये सिर्फ मैंने 150 में परचेज किया था
और मैंने ऑनलाइन भी काफी सर्च किया था लेदर्स का, 7600 से अंडर की नहीं थी, वो भी नॉर्मल सी, कोई स्टाइल नहीं था, सिर्फ सिंपल सी स्कर्ट। बस मुझे एक प्लेटी स्कर्ट भी दिखी थी बट वो काफी एक्सपेंसिव बोल रहे थे भैया, 300-400 की बोल रहे थे, तो मैंने सिर्फ ये वाली लेदर स्कर्ट परचेज करी। वो शॉप नंबर दे दूंगी जहां से मैंने ये लेदर स्कर्ट और ये लेदर पैंट परचेज करी है, वहां पे आपको काफी सारे लेदर्स के आइटम मिल जाएंगे, और लेदर के आइटम भी नहीं तो आपको काफी पैंट्स, जीन्स काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी, 250-150 में काफी अच्छी जीन्स और लोअर और शॉर्ट्स और स्कर्ट्स काफी चीजें मिल जाएंगी। तो सेकंड मैंने ये लेदर पैंट परचेज करी थी, ये थोड़ी सी मुझे लूज आ रही है, एक बार आप साइज जरूर अच्छे से चेक कर लेना। मुझे नीचे का ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही विंटर वाइब दे रहा है, और क्रिसमस के लिए और पार्टीज के लिए बहुत ही अच्छा। लेदर पैंट्स के साथ आप काफी सारी टॉप्स को स्टाइल कर सकते हैं और एकदम पार्टी लुक क्रिएट कर सकते हैं लेदर पैंट्स के साथ भी। तो मुझे ये वाला पैटर्न इसमें बहुत पसंद आया था, ये नेट है और नीचे से इस तरह के स्पार्कल सा जो ये लगा हुआ है, मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि मैं इसे अगर नॉर्मली मैं कहीं घूमने जा रही हूँ या क्रिसमस के लिए कहीं जा रही हूँ या न्यू ईयर पार्टी के लिए जा रही हूँ, तो मैं लेदर पैंट्स के साथ भी काफी अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ और काफी शाइनी और क्लासी लगती है। तो सेकंड मैंने ये वाली 150 में लेदर पैंट परचेज करी थी, ये दोनों मैंने 150-150 ईच में परचेज करा था। उसके बाद मैंने सरोजिनी नगर से दो कॉर्सेट परचेज करे थे, एक तो मैंने ये येलो कलर का परचेज किया था, बहुत ही ज्यादा प्यारा इसका कलर है, बहुत ही ज्यादा प्रिंसेस वाइब दे रहा है, बहुत ही प्यारा कॉर्सेट है, पीछे कुछ इस तरह के इसके बटने हैं, बट ये मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा, लग रहा है मुझे एकदम फिट आ जाएगा बट ये मुझे बहुत ज्यादा टाइट आ रहा है। अगर आपका बॉडी टाइप मेरी तरह है तो आप इस तरह के कॉर्सेट बिल्कुल ना परचेज करें, अगर आप थोड़े पतले हैं और आपका कंधा ज्यादा चौड़ा नहीं है तो इस तरह के कॉर्सेट परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको फिट आ जाएगा, बट इस तरह का जो चौड़ा कंधा होता है उसमें कॉर्सेट बिल्कुल फिट नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिटेड होते हैं और उसके लिए एक बॉडी टाइप अच्छा चाहिए होता है। तो ये कॉर्सेट को मैं काफी सारे स्टाइल में आपके साथ शेयर करूंगी, 2-3 बटने लग जाते हैं उसी के साथ भी मैं शेयर कर सकती हूँ काफी स्टाइल, और मैं थोड़ा हैक ट्राई करके भी इसको एडजस्ट कर लूंगी। बट ये वाला, बट जो मैंने दूसरा कॉर्सेट परचेज किया वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, इस तरह का पिंक कलर का है, नीचे इस तरह के सारे मोती लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा कॉर्सेट है। ये दोनों मैंने 50-50 ईच में परचेज किया था, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, जहां से मैंने 50 रुपीज की स्कर्ट परचेज करी थी वहीं से मैंने ये सारे कॉर्सेट भी परचेज करे थे। मैंने सोचा था इनके साथ अलग अलग तरह से स्टाइल करके दिखाऊंगी, बट ये वाला तो मुझे बिल्कुल फिट नहीं आया, बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें चेन भी है तो मैं इसमें कोई हैक ट्राई भी नहीं कर सकती। बट मुझे पर्सनली ये वाला कॉर्सेट बहुत पसंद आया था, इसका कलर बहुत प्यारा है, बट ये गोल्ड और समथिंग येलो कलर में है, तो ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, काफी अच्छी इसकी क्वालिटी। 50 रुपीज ईच में कॉर्सेट परचेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं काफी अच्छे अच्छे स्टाइलिश वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको काफी सारा आइडिया मिल जाएगा कि आप इन ड्रेसेस को, इन टॉप्स को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, ऑलमोस्ट जो जो मैंने लिया था वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट भी परचेज करे थे, फर्स्ट तो मैंने ये स्टिक ऑन नेल्स परचेज करे थे अलग अलग कलर्स के, ये सिर्फ मैंने 50 रुपीज ईच में परचेज किया है, मैं अमेजोन पे और काफी सारे वेबसाइट्स पे इस तरह के स्टिक ऑन नेल्स देख रही थी, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, तो मैंने सोचा सिर्फ ट्राई करने के लिए मैं इन्हें सरोजिनी नगर से परचेज करके देखती हूँ। मुझे पर्सनली ये वाला बहुत अच्छा लगा, बट लगाने के बाद ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मैंने 50-50 रुपीज में परचेज करा, मैंने फर्स्ट स्टिक ऑन नेल्स परचेज किए थे, देन मैंने इस तरह की आई लैशेज परचेज करी थी ट्राई करने के लिए कि आईलैशेस कैसे लगते हैं, काफी अच्छे आईलैशेस हैं इस तरह के। ऑनलाइन आईलैशेस सिर्फ आप एक ही परचेज करेंगे जिसमें कोई ग्लू नहीं होती तो वो आपको 120-170-180 के समथिंग के पड़ेंगे, बट ये मैंने सिर्फ 50 रुपीज में परचेज किया था, काफी अच्छी क्वालिटी का आईलैश है, मैं ट्राई करके जरूर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। वैसे मैंने पूरा इसका रिव्यू इंस्टाग्राम पे अपने शेयर किया है तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने कुछ आई मेकअप के ब्रशेज परचेज करे थे, ये भी आई थिंक
50 रुपीज के ये 4 मेकअप ब्रशेस हैं, वहां के कुछ मेकअप प्रोडक्ट शेयर करना चाहती थी आपके साथ। तो मैंने कुछ यही मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो सरोजी नगर से परचेज किए थे, आप भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं और आपने अभी मेकअप करना शुरू किया है तो आप सरोजी नगर के मेकअप थोड़ा सीखने के लिए, थोड़ा क्रिएटिव होने के लिए परचेज कर सकते हैं। बट मेकअप जनरली मेकअप प्रोडक्ट मत परचेज करना, जैसे फाउंडेशन, ब्लश, ये सब मत परचेज करना। आप इस तरह के कुछ ब्रशेस परचेज कर सकते हैं, आईलैशेस परचेज कर सकते हैं, स्टिक ऑन नेल्स परचेज कर सकते हैं। ये जो होते हैं ये कम प्राइस में भी इनकी क्वालिटी ठीक ठाक एज अ बिगनर, बट बाकी चीजें इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी बिल्कुल भी परचेज करने का, खास करके लिपस्टिक। लिपस्टिक की क्वालिटी वहां सरोजिनी नगर में बहुत ही बेकार होती है, तो लिपस्टिक बिल्कुल भी मत परचेज करना। लिपस्टिक या फिर फाउंडेशन, इन सब के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिटी अच्छी होती है तो आपको अच्छा इफेक्ट भी देते हैं, वो लोकल क्वालिटी के होते हैं तो काफी खराब भी लगते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू, बाय।